हेलो एवरीवन, मैं संदीप खारी और आज मैं आपको साइट विजिट कराऊंगा एक न्यू प्रोजेक्ट की। तो ये प्रोजेक्ट कौन सा है और क्या लोकेशन है ये पूरी ही डिटेल बताऊंगा। और इसमें सीनियर सिटीजन के दो नए टावर आने वाले हैं, उसमें क्लब हाउस अलग रहेगा, तो वो मैं पूरी ही डिटेल आपको ब्रीफिंग में बताऊंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोकेशन की। तो लोकेशन रहेगी आज की हमारी द्वारका एक्सप्रेसवे का वो पॉइंट जहाँ पे कि हमारा सेक्टर 36A लगता है और सराउंडिंग में ग्लोबल सिटी, जो ग्लोबल सिटी बन रही है हमारी 1003 एकड़ लैंड के ऊपर, वो लोकेशन रहेगी। और डेवलपर की बात करते हैं तो डेवलपर रहेगा यहाँ पे मैक्स मैक्स इस्टेट। मैक्स इस्टेट की यदि मैं बैकग्राउंड की बात करता हूँ तो इनके मैक्स इंश्योरेंस होता है या मैक्स जो है हॉस्पिटल है, इनकी बहुत बड़ी चैन है। तो ये वो डेवलपर है, खुद के ही इनके पास इतनी फंडिंग है, तो जो इन्होंने लैंड ली है तो किसी से 1 रुपया उधार नहीं लिया है या किसी से 1 रुपये का भी लोन नहीं लिया है। तो डेवलपर का ये छोटा सा एक बैकग्राउंड है। और इनका रियल एस्टेट में क्या क्या चीज़ें हैं एक बार मैं आपको वो बता देता हूँ। तो सबसे पहला प्रोजेक्ट है इनका देहरादून के अंदर, जो एक वर्ल्ड क्लास जो है इन्होंने विला बनाए हुए हैं। और एक और प्रोजेक्ट इन्होंने रिसेंटली नोएडा के अंदर लॉन्च किया था, जो 18,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के रेट से जो है केवल हमारा 2 दिन के अंदर 100% सोल्ड आउट हो गया था। अभी आ जाते हैं अपना जो गुड़गांव में प्रोजेक्ट आ रहा है सेक्टर 36A के अंदर, ये लैंडमार्क रहेगा मेन द्वारका एक्सप्रेसवे। लैंडमार्क के तौर पे जैसे कि हमारा क्रू स्विमी वाटरफॉल रेजिडेंसी है, आप जानते ही हैं जिस लोकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, सेक्टर 36A, यानी कि ये हमारा सेक्टर 36A होगा। इसके बिल्कुल साथ साथ में ग्लोबल सिटी डेवलप हो रही है जो 1003 एकड़ की है, जो सबसे बड़ी चीज है, जहाँ पे कि 1 एकड़ लैंड की कीमत 60 से 65 करोड़ रुपए है। पहले भी मैंने वीडियो में बताया है ये वो ग्लोबल सिटी बन रही है जहाँ पे कि वर्ल्ड के टॉप डेवलपर जो है अपने प्रोजेक्ट या अपनी डेवलपमेंट लेके आने वाले हैं। ये वो ग्लोबल सिटी है जहाँ पे कि MR को ई ऑक्शन में लैंड नहीं मिली, तो ये वो क्लास है। और इसी के जस्ट अपोजिट में जो है सेक्टर 88 है, जो कमर्शल सेक्टर है पूरा ही 100%। अब आ जाते हैं प्रोजेक्ट पे। तो अभी प्रोजेक्ट जो लैंड है इनके पास में टोटल है 20 एकड़ लैंड, और अभी जो लॉन्च कर रहे हैं वो कर रहे हैं 12 एकड़ लैंड के ऊपर जो है यहाँ पे प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं। 12 एकड़ लैंड के ऊपर जो है इनके 6 टावर रहने वाले हैं, जो 6 टावर के अंदर जो साइज रहने वाले हैं 3 BHK और 4 BHK के साइज रहने वाले हैं। 3 BHK का जो साइज रहेगा यहाँ पे 2500 स्क्वायर फीट से लगा के 3000 स्क्वायर फीट तक का साइज रहेगा। तो सेकंड पे रहेगा यहाँ पे 4 BHK का साइज, 3500 स्क्वायर फीट से लगा के 4000 स्क्वायर फीट तक का साइज रहेगा 4 BHK में। तो दो ही साइज है यहाँ पे, और जैसे कि मैंने बताया इसमें 6 टावर लॉन्च कर रहे हैं, और इसमें जो 4 टावर हैं वो मैक्स स्टेट के हैं, बाकी जो 2 टावर हैं वो हैं अंतारा। जैसे कि मैंने बताया सीनियर सिटीजन के लिए यहाँ पे 2 टावर अलग से लॉन्च कर रहे हैं। सीनियर सिटीजन के लिए जैसे कि जनरली आप जानते हैं मैक्स जो है हॉस्पिटल लाइन में, तो सीनियर सिटीजन के लिए बढ़ चढ़ के यहाँ पे चीजें लेके आया हुआ है। जैसे कि हॉस्पिटल है तो सारी चीजें जानते हैं, हॉस्पिटल डॉक्टर होते हैं, भाई सीनियर सिटीजन को हमें क्या फैसिलिटीज देनी है। तो सीनियर सिटीजन का क्लब हाउस भी सेपरेट है और हमारा गार्डन भी सेपरेट है और 2 टावर भी सेपरेट है, बाकी बचे 4 टावर वो मैक्स स्टेट के हैं जिसमें 3 BHK और 4 BHK के साइज रहेंगे। तो ये चीजें, बाकी बात करता हूँ इसमें 3 लेवल की जो है बेसमेंट पार्किंग है और 1 लाख स्क्वायर फीट का क्लब है। 1 लाख स्क्वायर फीट के क्लब की बात करता हूँ तो तकरीबन 60,000 स्क्वायर फीट का जो क्लब रहेगा, जो टावर मैक्स स्टेट के हैं उधर जाएगा, और 40,000 स्क्वायर फीट का क्लब जो सीनियर सिटीजन है उस साइड में जाएगा। और यहाँ पे बात कर लेते हैं प्राइस की, तो प्राइस रहेगा 20,000 रुपये पर स्क्वायर फीट प्लस अदर चार्जेस। अभी जो है इसकी EOI ले रहे हैं, और EOI कितने अमाउंट की है वो आपको स्क्रीन पे नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप सेम नंबर पे कॉल करके वो डिटेल ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको कोई भी डिटेल जाननी है, आसपास में क्या डेवलपमेंट है, क्या लोकेशन पे कितनी डेवलपमेंट होनी है वो जान सकते हैं। अब कुछ लग्जरी के जो पैरामीटर्स होते हैं मैं वो बता देता हूँ। जैसे कि मैंने वीडियो शुरू होने से पहले आपको बोला था कि भाई लग्जरी के पैरामीटर्स मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहली बात होती है हमारे बिल्डर की फंडिंग। बिल्डर ने किसी से भी जो है, अगर मैं लग्जरी के पैरामीटर पर बढ़ने से पहले डेवलपर के भी बैकग्राउंड में जाना होता है। कई बार क्या होता है कि डेवलपर आपको सपने जरूर दिखा देता है लेकिन सपने जो है अधूरे ही रह जाते हैं। तो
तो डेवलपर ने किसी तरह की कोई भी ब्याज पे पैसा या किसी से उधार पैसा या किसी और इन्वेस्टर का पैसा नहीं लगा हुआ है, डेवलपर का खुद का ही पैसा लग रहा है यहाँ पे। और जो लग्जरी के पैरामीटर्स होते हैं कि भाई मुझे आसपास में एरिया डेवलप चाहिए, तो वो भाई ग्लोबल सिटी आ जाती है, और अपोजिट में जो है सेक्टर 88 कमर्शियल सेक्टर आ जाता है। और जिस हिसाब के या जिस इन्वेस्टमेंट का जो है यहाँ पे आपको घर मिलना है, उस कैटेगरी के यहाँ पे मॉल या फैसिलिटीज या स्कूल या यूनिवर्सिटी, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं आसपास में। मैंने जैसे कि बात करी प्रोजेक्ट के अंदर की, प्रोजेक्ट के अंदर की बात करता हूँ तो कुछ डिटेल ऐसी है जो अभी पेंडिंग है, तो जैसे डिटेल आएगी हम आपके साथ में जो है साझा कर लेंगे, आपको प्रोवाइड करा देंगे। माईवान कंस्ट्रक्शन रहने वाली है, 1,00,000 स्क्वायर फीट का क्लब है, और आपकी हेल्थ को लेके, आपकी हर एक चीज़ को लेके ध्यान में रखते हुए हर एक वो फैसिलिटीज दी जा रही है जिसके लिए आप कहीं बाहर जाते हैं या हॉस्पिटल जाते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल वालों का ये जो है प्रोजेक्ट है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ इस प्रोजेक्ट में ऐड की हुई हैं। तो इसकी ये छोटी सी डिटेल थी, बाकी आप किसी भी तरह की कोई भी डिटेल लेना चाहते हैं तो हमारे द्वारा जो आपको स्क्रीन पे नंबर दिखाई दे रहा है सेम नंबर पे कॉल करके वो डिटेल ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमारा इतना ही, बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। धन्यवाद, आज की वीडियो में इतना ही, जय श्री।